सो फाइनली दोस्तों डंकी के दो बड़े टीजर आने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अब 1000 करोड़ नहीं 2000 करोड़ लोडिंग दोस्तों। ओ भाई साहब 2000 करोड़ लोडिंग विथ फेक पीयर विथ फेक कॉर्पोरेट बुकिंग फेक कलेक्शंस एंड भाई साहब छपरी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि 500 रुपए अब आने वाले हैं पेड रिव्यू के और ट्विटर पे प्रमोशंस के सोशल मीडिया पे प्रमोशंस के फेक पैसे मिलने वाले हैं दबा के दोस्तों दबा के पैसा मिलने वाला है। लाइक कमेंट करो दोस्तों टीजर की अपडेट दूंगा। सलार का ट्रेलर भी दोस्तों उसी दिन आएगा जिस दिन डंकी का टीजर आएगा। है ना एक्साइटमेंट न्यूज बने रहो भाई। डंकी वर्सेस सलार का फिल्म तो चलो क्लैश नहीं हुई क्योंकि भैया डंकी वाले भगौड़े निकले लेकिन भाई साहब टीजर और ट्रेलर क्लैश हो सकता है। लाइक कमेंट करके वीडियो को अंत तक देखना। अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ना यार। आइए वीडियो भी शुरू करते हैं। तो भाई लोगों सबसे पहले की अपडेट दे दूं आपको कि भैया दो टीजर आ रहे हैं डंकी के दो बड़े टीजर आ रहे हैं। पहला टीजर कहा जा रहा है कि 2 नवंबर शाहरुख खान का बर्थडे है और उस दिन आ सकता है 50 सेकंड का टीजर आएगा 2 नवंबर को। जवान का ओटीटी राइट है जो डिजिटल राइट है उसकी भी अनाउंसमेंट होगी कि किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो 1 मिनट 49 सेकंड का जी हाँ दोस्तों जो 1 मिनट 49 सेकंड का टीजर है वो आपका रिलीज होगा टाइगर 3 के प्रिंट के साथ यानी कि थिएटर में पूरा अक्रॉस ग्लोबल दोस्तों टाइगर 3 के फिल्म के साथ ही डंकी का टीजर देखेगा। वैसे दोस्तों यूज सर्टिफिकेट मिला है CBFC के द्वारा। अब लोगों को पता है कि यूए सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है। भाई यूए सर्टिफिकेट वो होता है जिसमें आपकी पूरी फैमिली इस फिल्म को देख सकती है बट यू सर्टिफिकेट थोड़ा सा एडवांस है यार यूनिवर्सल है। इसमें क्या होता है ना कि फिल्म जो यू सर्टिफिकेट जिस फिल्म को मिला होता है उसमें किड्स यानी कि अबव 4 ईयर्स मतलब 4 साल के बच्चे से लेकर लगभग हर एज हर ग्रुप के लोग फिल्म को देख सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसको यू सर्टिफिकेट मिला है और सबसे बड़ी बात इस फिल्म के अंदर यू सर्टिफिकेट मिला इसलिए भी है क्योंकि ये शायद इसमें वायलेंस नहीं होगा। वायलेंस नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा और एक्शन नहीं होगा तो भैया हो जाएगी फ्लॉप क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत बार आती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों कोई नया एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जो एक्साइटमेंट सलार में वायलेंस देखने को मिलेगा भाई साहब कुल मिला के भाई KGF वाली वाइब्स आएगी सलार के अंदर। और इसके साथ ही साथ भाई जो स्टोरी है वो स्टोरी जो डंकी की कहा जा रहा है कि ये इलीगल इमिग्रेशन पर आधारित है और जिसको हम डंकी फ्लाइट कहते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में डंकी बोला जा रहा है। इलीगल इमिग्रेशन क्या होता है दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि जो लोग दूसरे कंट्री में गलत तरीके से घुस जाते हैं ठीक है तो लाइक USA कनाडा में कोई मान के चलो इंडियन ही बंदा कोई घुस गया तो काइंड ऑफ ये इलीगल इमिग्रेशन है मतलब दोस्तों कोई इलीगली रूप से पासपोर्ट लेके तो गए नहीं। तो ऐसे ही एक बंदे की कहानी है जिसकी जर्नी होती है इंडिया से अफगानिस्तान अमेरिका वो तमाम जगह घूमता है फिर उसकी घर वापसी होती है ठीक है। उसके बाद उसके साथ और भी ग्रुप ऑफ लोग होते हैं पीपल होते हैं उनकी कहानी दिखाई जाती है। कोविड का भी सिचुएशन इसके अंदर है। राजकुमार हिरानी का कॉम्बो है कहा जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्में बड़ी सॉलिड होती है लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि अगर मुझे यहां पे शाहरुख खान तापसी पन्नू एक मैच नहीं कर रहा। मैंने दोस्तों बार बार बोला है कि अगर इसमें आमिर खान होता तो यह फिल्म और सुपर होती। उसके बाद विक्की कौशल का कैमियो है भाई विक्की कौशल का भी रोल है इसके अंदर। जी हां दोस्तों इस पोस्टर में देख लो आप साथ ही साथ 3 Idiots के भी कई कैरेक्टर इसमें देखने को मिलेंगे। जी हां उसमें उसका जो पिताजी थे ना वो फोटोग्राफर के उसका नाम आर माधवन के जो पिताजी का रोल किया होता है वो भी नजर आएंगे। चतुर है स्वामी है भाई लेकिन यार इस फिल्म का ना क्या बताऊं डिजास्टर इज लोडिंग है भैया। पता है क्यों भैया क्योंकि रमैया बसता भैया भैया 1000 करोड़ का कलेक्शन कह रहे हैं बड़े बड़े पेड़ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि 1000 करोड़ कमाएगी लेकिन यार ये एक्सपेरिमेंट है ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है शाहरुख खान के लिए और इसको डिजास्टर ही कहेंगे हम क्योंकि जवान को खाली थिएटर के अलावा किसी ने नहीं देखा। डंकी का हाल भी ऐसा ही होगा और दोस्तों पठान का तो हम सबने देखा है कि फेक कलेक्शन कॉर्पोरेट बुकिंग करके ये लोग दिखाते हैं कि फिल्म कितनी हिट हो रही है जबकि जनता जाती ही नहीं फिल्म को देखने के लिए ठीक है। उसके बाद एक और सबसे बड़ी अपडेट है कि सलार प्रशांत नील जो सलार के फिल्म मेकर है डायरेक्टर है भैया उन्होंने एक ट्वीट साझा किया। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि उन्होंने शाहरुख खान सर को तो मैसेज किया और बोला कि सर आपका जो टीजर है पहले आप अपना टीजर रिलीज कर दो बाद में मैं अपना सलार का ट्रेलर जो रिलीज कर दूंगा ठीक है। शाहरुख खान ने उनको कहा कि भैया डंकी वर्सेस सलार नहीं है ये डंकी एंड सलार है ये मतलब
ठीक है। वेल लेट्स सी दोस्तों, कहा तो ऐसा ही है लेकिन पर्दे की बात बताऊं भाई, मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने जवान को सोलो रिलीज कराया, कटोरा लेके भीख मांगा कि भैया अपनी डेट खिसका दो सलार वालों, उसके बाद सलार 22 तारीख को लेके आ गई। इन्होंने सोचा कि एक ही दिन पर दो फिल्म आएगी, बैंड बज जाएगी डंकी की। इन्होंने एक दिन पहले प्रीपोन्ड कर लिया। पहले तो हेटर लोग बोल लेते कि डंकी खा जाएगी डायनासोर को, 22 तारीख को क्लैश हो रही है, शाहरुख खान हिला देगा। अरे भाई साहब खुद ही हिल गया एक दिन पहले, भाई साहब फिल्म मेकर रिलीज कर रहे हैं डंकी को इंटरनेशनल लेवल पे, 22 तारीख को आ रही है सलार। लेट्स सी दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्लैश ही कहूंगा मैं। और प्रशांत नील ने इस बात का बयां करते हुए, हालांकि देखो यार अब तो वो बोलेगा नहीं ना कि भाई साहब उनका कॉल आया था और वो डर गए सलार से। कुल मिला के सलार से डर गए भाई ये लोग, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सलार की जब चीजें आए तो या तो उस दिन एक दिन पहले खिसक लो या आगे बढ़ जाओ, ये ऐसा इंतजाम कर रहे हैं। डंकी कुल मिला के भाई साहब डोंकी बन चुकी है, और जिस हिसाब से इसके बुक माई शो पे, भैया बुक माई शो पे 1,00,000 पूरा नहीं हुआ, 97,000, वही सलार 4,30,000 क्रॉस कर चुकी है। आईएमडीबी पे कम से कम छठे नंबर पे डंकी है, छठे नंबर पे ट्रेंड कर रही है। चलो सलार चौथे नंबर पे कर रही है, ऑनेस्ट बताऊं तो, लेकिन भाई साहब दो पायदान नीचे है डंकी। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि डंकी का बहुत बुरा हाल है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों डंकी जो है कहा जा रहा है, कुछ हेटर लोग बोल रहे थे कि यार नहीं डंकी का तो कुछ भी नहीं आया तो इसलिए बुक माई शो पे कम है, अब डंकी का टीजर आ जाएगा तो बुक माई शो पे बढ़ जाएगा। तो आप खुद सोचो जब सलार का ट्रेलर आ जाएगा तो 4,30,000 अभी है, वो तो 1,000,000 पहुंच जाएगा। तो वेल दोस्तों डंकी के टीजर के बाद कहा जा रहा है कि ट्रेलर भाई दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। अभी दो टीजर ही आएंगे, फिर सॉन्ग्स आएंगे, और दोस्तों फिर आपको पता है कि अभी शाहरुख खान अपनी फिल्म का ट्रेलर नहीं रिलीज करेगा, और लेट्स सी देखना होगा दोस्तों, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। लेट्स सी दोस्तों कॉर्पोरेट बुकिंग कितनी दबा के चलेगी। सुनने में न्यूज यही आएगी देखना कि फलाना कंपनी ने 1,00,000 का टिकट ले लिए, कॉर्पोरेट बुकिंग छपरी लोग दोस्तों अब सड़कों पर आ जाएंगे और बोलेंगे, डंकी का प्रमोशन करेंगे, 500 रुपये मिलेंगे और गाना यही गाएंगे भैया, रमैया अवस्था भैया, रमैया अवस्था भैया, कोई तो देख लो भैया, डंकी को देख लो भैया, खाली थिएटर होगा भैया, फिर से कॉर्पोरेट चालू होगा भैया, एडवांस फेक होगा भैया, डंकी कोई नहीं देखेगा भैया, सुपर डिजास्टर लोडिंग भैया। लाइक कमेंट करके बताओ डंकी वर्सेस सलार कौन सी फिल्म देखोगे, कौन सी हिट जाएगी, और दोस्तों क्या डंकी वाकई में 1,000 करोड़ कमा पाएगी या फेक होगा सब कुछ, लाइक कमेंट करके बताओ, कमेंट भर भर के करो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, एंड थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट, इसी तरह प्यार देते रहो, कमेंट भर भर के करो यार, जय हिंद।